हम मारते थे, मजा आता था, और मारते थे और मजा आता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के नंबर वन मेगा स्टार अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में ही, और आपको बताएंगे फिल्म ने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। एक्शन ड्रामा फिल्म बच्चन पांडे, जिसे डायरेक्ट किया है फरहाद सामजी ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है मेगा स्टार अक्षय कुमार, और उनके साथ नजर आ रही है कृति सेनन, जैकलिन, अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी। बताना चाहूंगा दोस्तों, बच्चन पांडे का ट्रेलर देखकर ही लग रहा था कि यह फिल्म अक्षय कुमार के करियर की वन ऑफ द बिगेस्ट मास एंटरटेनिंग फिल्म बनने वाली है। और दोस्तों फाइनली आज फिल्म रिलीज होते ही फिल्म को पब्लिक की तरफ से बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है, और बच्चन पांडे फिल्म अपने पहले दिन ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए फिल्म के बजट और रिकवरी के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि बच्चन पांडे फिल्म का जो बजट है वो है 150 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को टोटल 150 करोड़ रुपए यानी कि 150 करोड़ में बनाया है। लेकिन बात करें कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही टोटल कितने रिकवरी कर ली थी, तो दोस्तों आपको बता दें कि बच्चन पांडे फिल्म के जो डिजिटल राइट है वो बिके हैं 65 करोड़ में, जिसे खरीदा है अमेजोन प्राइम ने। इसके अलावा दोस्तों फिल्म के जो सैटेलाइट राइट यानी कि टीवी पे दिखाने के राइट से वो बिके हैं 40 करोड़ में, जिसे खरीदा है जी टीवी ने। साथ ही साथ दोस्तों फिल्म के जो म्यूजिक राइट है यानी कि गानों के राइट्स वो बिके हैं 20 करोड़ में, जिसे खरीदा है टी सीरीज ने। तो दोस्तों यहां पे बच्चन पांडे फिल्म ने अपने डिजिटल राइट, सैटेलाइट राइट और म्यूजिक राइट्स, तीन राइट्स बेचकर टोटल रिकवरी कर ली है 125 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, 150 करोड़ के बजट में बनी फिल्म बच्चन पांडे रिलीज होने से पहले ही 125 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन अब बात करें कि इस फिल्म को आज कितने स्क्रीन पे रिलीज किया, तो दोस्तों बच्चन पांडे फिल्म अपने पहले दिन दुनिया भर में 3000 से भी ज्यादा स्क्रीन में रिलीज हुई है। लेकिन दोस्तों फिल्म को आज जहां रिलीज किया गया, तो फिल्म के जो मॉर्निंग वाले शोज है वो मैक्सिमम जगह पर चले ही नहीं। जी हां दोस्तों, आज होली का मौका है, और होली की वजह से बहुत सारे सिनेमाघरों ने बच्चन पांडे के जो शोज है वो 2 बजे के बाद स्टार्ट किए हैं, जिसके चलते बच्चन पांडे के जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो उम्मीद से कम रहेंगे। क्योंकि फिल्म अगर मॉर्निंग वाले शोज में चलती तो फिल्म सुबह सुबह भी एक तगड़ी कमाई कर सकती थी, लेकिन फिल्म के जो शोज है वो 2 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि बच्चन पांडे का जो फर्स्ट डे है वो एक तरीके से देखे जाए तो हाफ डे है, क्योंकि फिल्म आधे दिन बाद ही सिनेमाघरों में चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे फिल्म भले ही आधे दिन बाद स्टार्ट हुई है, लेकिन फिर भी फिल्म को अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग मिल रही है वो कमाल की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां फिल्म के मॉर्निंग वाले शोज चले वहां तो फिल्म हाउसफुल है, लेकिन जहां पर इस फिल्म के 2 बजे के बाद के शोज है वहां पर भी फिल्म की एडवांस बुकिंग काफी सॉलिड रही, और फिल्म लगभग 70-75% की ऑक्यूपेंसी में ही बुक हो चुकी थी। तो दोस्तों जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक बच्चन पांडे फिल्म अपने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 15 करोड़ का कर रही है। वही दोस्तों फिल्म का जो फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 22-23 करोड़ का हो रहा है। हालांकि अक्षय कुमार के स्टारडम के हिसाब से इतनी ओपनिंग थोड़ी कम लग रही है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि आज तो फिल्म का सिर्फ आधा दिन है, कल से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से आग लगाने वाली है। क्योंकि दोस्तों कल से बच्चन पांडे के जो शोज है वो सुबह से चालू हो जाएंगे, और कल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज के मुकाबले ज्यादा कमाई करने वाली है। लेकिन दोस्तों देखना है कि बच्चन पांडे फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो कहां तक जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चन पांडे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 150 या 200 करोड़ की कमाई कर सकती है। बाकी आपको क्या लगता है, बच्चन पांडे फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है वो कितने करोड़ का होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चन पांडे फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के वीडियो देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।